गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 किशोर अवस्था की समस्याएं और उनका प्रबंधन, कि किशोर अवस्था में क्या क्या समस्याएं आती है और उन समस्याओं से हम किस प्रकार से उनका हल कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए किशोर अवस्था को अधिकतर समस्याओं की आयु कहा जाता है। बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोर अवस्था में समस्याओं का समूह व्यापक होता है, यानी कि बाल्यावस्था में इतनी समस्याएं नहीं आती जितनी कि किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है। किशोर स्वयं से अधिक परिवार वालों के लिए समस्या होता है। परिवार वालों के लिए इसलिए समस्या होता है क्योंकि ना तो वो परिवार के लोगों को समझ पाता है, ना ही परिवार के लोग उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को समझ पाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उसका विस्तृत समूह अधिक व्यक्तियों को प्रभावित करता है। सारे परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, सांविंगिक इस अवस्था में होते हैं। वांछित व्यवहार के बारे में ज्ञान का अभाव, यानी कि जो व्यवहार, जो ज्ञान उसने प्राप्त नहीं किया है, यदि वह उससे वांछित रह जाता है तो उस ज्ञान का अभाव, शिक्षक माता पिता की अपेक्षाएं, जीवन के तनाव, दबाव आदि समस्याओं के प्रमुख कारक होते हैं। किशोरों की अधिकतर समस्याएं सामाजिक होती है, यानी कि समाज से संबंधित होती है। उन्हें अपने समाज व उसके मानकों के साथ समायोजन करना होता है, यानी कि समाज ने उसके सामने जो नियम प्रस्तुत किए हैं, जो विचार रखे हैं, उसके साथ उसको समायोजित, यानी कि उसके साथ उसे घुल मिलना होता है, उसके साथ उसे समायोजन करना होता है। नई चुनौतियों का सामना करना होता है जो पिछली बाल्यावस्था की तुलना में अधिक जटिल होती है। जटिल यानी समस्यात्मक और दुखदायी होती है। देखिए क्या क्या समस्याएं होती है, उत्तर किशोर अवस्था की दो अवस्थाएं होती है, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। देखिए पूर्व किशोर अवस्था की क्या समस्याएं होती है, मैंने आपको बताया था कि पूर्व किशोर अवस्था 13-14 वर्ष से लेकर 16-17 वर्ष तक के बीच में होती है। देखिए पूर्व किशोर अवस्था के प्रमुख लक्षण ऐसे हैं जो पूर्व किशोर अवस्था को बाल्यावस्था और उत्तर किशोर अवस्था से अलग करते हैं। पहला देखिए, पूर्व किशोर अवस्था का प्रमुख लक्षण अस्थिरता है। अस्थिरता से तात्पर्य संवेगों पर अनियंत्रण, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। इस आयु में अस्थिरता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, यानी उसकी अंतिम सीमा पार कर लेती है। एकदम उत्साहित हो जाते हैं, फिर उदासीन हो जाते हैं, यानी एक बार तो हम किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यदि हम वो चीज कर नहीं पाते, हमें वो चीज मिल नहीं पाती, तो हम फिर उसके लिए बिल्कुल ऐसे उदास हो जाते हैं। विशेषकर सामाजिक संबंधों में उनकी अस्थिरता बहुत ही स्पष्ट होती है। विपरीत लिंग वालों के साथ मित्रता उनकी महत्वाकांक्षाओं में, विशेष रूप से व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं में अस्थिरता पाई जाती है। देखिए सबसे पहले तो विपरीत लिंग वालों के साथ मित्रता, यदि वह विपरीत लिंग वालों से मित्रता नहीं कर पाते हैं या उसमें किसी प्रकार की बाधा आती, समस्या आती है, तब वह उदासीन हो जाता है। उनकी महत्वाकांक्षाओं में, यानी कि महत्वाकांक्षाओं का मतलब है कि वो उससे क्या क्या उम्मीद करता है, यानी उसे उससे क्या 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 चीजें चाहिए, या उसने उसके सामने क्या क्या इच्छाएं प्रकट करी है, या उससे उसे उसे चाहिए मतलब मित्र बनाने के लिए विपरीत लिंग में, कि उसे देखिए विपरीत लिंग वालों के साथ मित्रता उनकी महत्वाकांक्षाओं में, यानी कि वह क्या चाहता है उससे, यानी अपने दोस्त के अंदर वह क्या देखना चाहता है, अपने मित्र के साथ क्या देखना चाहता है, उन दोनों के विचार मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते आदि चीजें देखी जाती है। देखिए विशेष रूप से व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं में स्थिरता पाई जाती है। व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं कैसे, जैसे किशोर अवस्था में किशोर का जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है। कभी तो वह सोचता है कि मुझे अपने पिताजी का व्यवसाय चुनना है, कभी वो सोचता है कि नहीं मुझे अपने विषय के अनुसार अपना व्यवसाय करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कभी वो सोचता है मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे अपना बिजनेस करना है, या फिर मुझे पुलिस लाइन में जाना है, जो भी है, अनेक प्रकार की डॉक्टर बनना है, जो भी है, तो उसकी महत्वाकांक्षाओं में अस्थिरता पाई जाती है, यानी कि वह मन में उठने वाले जो उद्दंग है, यानी उसकी जो भावनाएं हैं, उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। भविष्य की योजना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। सेकंड देखिए, साइमंड्स के अनुसार इस अवस्था के किशोर और किशोरों की रुचियों में अंतर पाया जाता है।
देखो लड़के लड़कों की तुलना में लड़कियों की समस्याएं अधिक होती है। लड़कियों की समस्याएं अधिकतर स्कूल, माता पिता, पारिवारिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तिगत आकर्षण और शिष्टाचार से संबंधित होता है। देखिए लड़कियों की समस्याएं लड़कों से अधिक होती है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या स्कूल, माता पिता से उसको समायोजन नहीं हो पाता है, सामाजिक समायोजन समाज में घुलना मिलना, व्यक्तिगत आकर्षण यानी अपने आप को लेकर, अपने आप को लेकर अपने रूप रंग को लेकर, और शिष्टाचार। जबकि लड़कों की शिष्टाचार से तात्पर्य हुई आदर्श, नैतिक मूल्य आदि। जबकि लड़कों की समस्याएं पैसा कमाने, खर्च करने, पैसा बनाने और उसके भविष्य के जीवन से संबंधित होती है। देखिए पांचों पॉइंट, लेडीज ने कहा कि हमारे जीवन में किशोर समाज पर आत्मनिर्भर है और किशोर किशोरियां स्वतंत्रता पूर्वक जोड़े बनाते हैं। उन्हें 20 साल की आयु के पहले ही इतने अधिक निर्णय कर लेने होते हैं जितने कि उनके 3-4 पीढ़ी पहले के पूर्वजों को अपने पूरे जीवन काल में नहीं करने पड़ते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो किशोर किशोरी है वो 20 साल से पहले इतने निर्णय कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि 11-12 साल का बच्चा भी, हम उससे पूछते हैं कि बेटा आपको आगे क्या करना है, क्या बनना है, तो वह भी बता देता है कि मुझे ये करना है, इंजीनियर बनना है, ये विषय लेना है। ठीक है, मतलब वो पहले से अपने मन में, उसका मन इतना चंचल होता है कि वह विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाता है, सपने बुनने लग जाता है। आगे देखिए, इन अध्ययनों से पता चला है कि उनकी संख्या बहुत होती है, अधिकांशता शारीरिक आकृति और स्वास्थ्य, घर के अंदर और बाहर वालों के साथ सामाजिक संबंध यानी अपने रंग रूप आकार को लेकर जो किशोर है बहुत असमंजस में रहता है, विषम लिंगीय संबंध, भविष्य की योजनाएं, शिक्षा, व्यवसाय को चुनना और जीवन साथी का चुनाव आदि शामिल है। इवान मैकोरी, गैरिसन कनिनगास के अनुसार सामान्य रूप से औसत वृद्धि के किशोरों को अपेक्षा सामान्य रूप से औसत वृद्धि के किशोरों की अपेक्षा त्रिव बुद्धि वाले किशोरों की समस्याएं और आकुलताएं कम होती है। देखो हमारी बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, उसमें हमारा औसत दिया होता है कि 100 से 120 बुद्धि, मतलब बुद्धि लब्धि वाले विशेष होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं आदि। ठीक है, तो उस बुद्धि लब्धि से जो कम वाले बालक होते हैं, देखिए औसत वृद्धि के किशोरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाले किशोरों की समस्या और आकुलताएं कम होती है, यानी कि वो कम चिंता करते हैं और कम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उन्हें वो अपना लक्ष्य पहले से बना चुके होते हैं और वो एक ही लक्ष्य पर चलते हैं, वे अपने मार्ग से भटकते नहीं है, जिससे मालूम पड़ता है कि औसत बुद्धि वालों की अपेक्षा तीव्र वृद्धि वाले किशोर अवस्था से अच्छा समायोजन कर पाते हैं। देखिए गैरिसन एवं कनिगास के अनुसार इस अवस्था के किशोर किशोरियों की समस्याओं में अंतर पाया जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की समस्या अधिक होती है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है लड़कियों की समस्याएं बढ़ती जाती है और लड़कों की समस्याएं घटती जाती है। उत्तर किशोरावस्था की समस्या आप देखिए, उत्तर किशोरावस्था की क्या समस्याएं होती है। उत्तर किशोरावस्था होती है बेटा 16 या 17 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष तक की अवस्था होती है। देखिए उत्तर किशोरावस्था की समस्याएं भी पूर्व किशोरावस्था की तरह व्यक्ति के जीवन की एक संक्रमणकालीन अवस्था होती है। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था में प्रौढ़ की स्थिति से और व्यवहार में प्रौढ़ स्तरों से जो समायोजन शुरू हो चुके होते हैं वे इस अवधि में पूरे हो जाते हैं। देखिए बच्चों किशोर अवस्था की जो तुरंत बाद अवस्था आती है वो होती है, ठीक है, वयस्क अवस्था, लेकिन उसे प्रौढ़ अवस्था में भी डाल दिया जाता है। तो देखिए पूर्व किशोर अवस्था में प्रौढ़ की स्थिति से और व्यवहार में प्रौढ़ स्तरों से जो समायोजन शुरू हो चुके होते हैं वे इस अवधि में पूरे हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 16 या 17 के पश्चात जो 20 से 21 वर्ष के बीच की अवधि होती है उसमें ही हमें अपने विशेष निर्णय लेने होते हैं, अपने मार्ग का चयन करना होता है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। देखिए पूर्व किशोर अवस्था से भेद करने के लिए उत्तर किशोर अवस्था में पहुंचे हुए किशोर किशोरियों को आमतौर पर कई नाम दिए जाते हैं। देखिए उन्हें प्राय युवक युवती, जवान पुरुष जवान स्त्री कहा जाता है। बिल्कुल सही है, युवक युवती,
कह देते हैं ना, 16 वर्ष का जो बच्चा होता है वो एक युवा की श्रेणी में अपन कह देते हैं ना, अरे यार अब तो तू बड़ा हो गया, 16 वर्ष का हो गया। जवान पुरुष, जवान स्त्री कहा जाता है। इससे यह आभास होता है कि समाज उन्हें परिपक्व मानता है। क्यों? क्योंकि जो लड़कियों की आयु 18 वर्ष के पश्चात लड़कियों का विवाह कर सकते हैं, 21 वर्ष के पश्चात लड़के का विवाह कर सकते हैं। तो जो एक लड़की है उसे जवान स्त्री भी कहा जाता है और लड़के को जवान पुरुष भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि समाज उन्हें क्या मानता है, परिपक्व मानता है। किशोर अवस्था की प्रगति के साथ पूर्व किशोर अवस्था की अस्थिरता की जगह धीरे धीरे अधिकाधिक स्थिरता आती जाती है। यानी पूर्व किशोर अवस्था में जो उसके संवेग अनियंत्रित थे, मन पर जो उसका नियंत्रण नहीं था, अब उसमें क्या आने लगती है, स्थिरता आने लगती है। स्थिरता के कारण ये जीवन के साथ अच्छा समायोजन कर लेते हैं। यानी कि उत्तर किशोर अवस्था में बालक में समझ आने लगती है। स्टोन व विलियम्स के अनुसार उत्तर किशोरों की गंभीर समस्याएं विद्यालय कार्यों, व्यवसायिक वरीयता, वरीयता का मतलब होता है श्रेणी, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक समायोजन आदि से संबंधित होती है। पूर्व की व उत्तर किशोर अवस्था की समस्याएं आमतौर पर बहुत कुछ वही होती है जो छोटे किशोर की होती है। उत्तर किशोर समस्याओं का सामना अलग तरीके से करता है और उसके समाधान में अधिक परिपक्वता होती है। एम ए रहे व बी ए मसिक के अनुसार किशोर प्राय रुपये, पैसे को और लैंगिक समस्याओं को सबसे गंभीर मानते हैं। यानी कि जो 17 से लेकर 21 वर्ष तक के बीच में जो बालक होता है उसके लिए प्राय मुख्य समस्या होती है रुपए पैसे की, अपने व्यवसाय की, और लैंगिक समस्याओं को सबसे गंभीर मानते हैं। यानी विशेष रूप से ये सबसे जटिल समस्या होती है। जबकि युवतियां व्यक्ति या व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने तथा पारिवारिक संबंधों की समस्याओं को गंभीर मानती है। लड़कियों के लिए उनका चरित्र, ये चरित्र का मतलब कहने का तात्पर्य अपनी रेस्पेक्ट, ठीक है, व्यक्तित्व यानी अपनी सुंदरता, अपने आकार को लेकर, और पारिवारिक संबंध यानी कि परिवार से उसका तालमेल कैसा है, ये समस्या उसके लिए बहुत गंभीर होती है। उत्तर किशोर अवस्था सामान्य रूप से पूर्व किशोर अवस्था की अपेक्षा अधिक सुखी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अब बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, समाज से भी समायोजन करने लगता है। बड़े किशोरों का कम या अधिक सुखी दुखी होना इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि घर के अंदर और अपने सामाजिक संबंधों में वह कितना समायोजित है। यानी कि घर के अंदर वह घर के बाहर वह क्या घर के बाहर क्या वह एडजस्ट कर पाया है, यानी कि वातावरण से, अपने आसपास के वातावरण से एडजस्टमेंट कर पाया है, अपने विचारों को, भावनाओं को समझा पाया है, उनकी भावनाओं को समझ पाया है। वैसे देखा जाए तो सभी अवस्थाओं में बालकों की अपनी अपनी समस्याएं होती है जिनके समाधानों में प्रौढ़ों को कठिनाई होती है, परंतु किशोर अवस्था की समस्याएं अधिक दुखी करने वाली होती है, इसलिए किशोर अवस्था को दुखी अवस्था भी कहते हैं। देखिए बच्चों, किशोर अवस्था की समस्याएं अधिक दुखी करने वाली होती है, यानी कि समाज में समायोजन नहीं कर पाता, ये संक्रमण की अवस्था होती है, इसमें अपने रंग रूप आकार आदि की समस्याएं रहती है, व्यवसाय चुनने की, जीवन साथी चुनने की आदि समस्याएं रहती है, इसलिए किशोर अवस्था को दुखदायी अवस्था भी कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन भी है कि किशोर अवस्था को दुखदायी अवस्था क्यों कहा जाता है। इसका कारण यह भी है कि किशोरों को प्राय उनकी शारीरिक बनावट के कारण प्रौढ़ों के प्रतिमान से देखा जाता है। यानी कि शारीरिक बनावट, कई बार होता है कि 16 साल का लड़का भी उसकी आकृति भी 13 साल के बालक जैसी होती है, और 16 वर्ष के बालक की आकृति भी 22 साल के लड़के जैसी होती है। तो उनके शारीरिक बनावट के कारण प्रौढ़ों के प्रतिमान से देखा जाता है। यानी कि कई किशोर बाद में विकसित होते हैं, कई पहले विकसित हो जाते हैं। जो बड़े दिखते हैं यानी कि जिनकी आकृति बड़ी दिखती है उन्हें प्रौढ़ों के प्रतिमान से देखा जाता है। देखिए, यह हमारा हो गया किशोर अवस्था की समस्याएं। किशोर अवस्था की ये बिंदु हैं, किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किशोर अवस्था की समस्याएं, उनका प्रबंधन।
किशोर अवस्था को समस्याओं काल कहा जाता है। किशोरों की मुख्य समस्या समायोजन को लेकर होती है। पूर्व किशोर अवस्था का प्रमुख लक्षण अस्थिरता होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में समस्या अधिक होती है। उत्तर किशोरों की गंभीर समस्याएं विद्यालय कार्यों, व्यावसायिक वरीयता, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक समायोजन आदि से संबंधित होती है। किशोर अवस्था को समस्याओं का काल क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि यह संक्रमण की अवस्था है, ये तूफान और तनाव की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे शिक्षा संबंधी, व्यवसाय का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, अपने आकार को, रंग रूप को लेकर आदि प्रकार की समस्याएं। किशोर अवस्था की विभिन्न समस्याओं पर टिप्पणी लिखिए। किशोर अवस्था की समस्याएं देखो बेटा कौन कौन सी है। किशोर अवस्था की समस्याएं, सारी समस्याएं जो हमने विशेषताएं पढ़ी थी चैप्टर वन में, वो सारी समस्याएं कि ये परिवर्तनों की अवस्था है, ये संक्रमण की अवस्था है, ये दुखदायी अवस्था है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की। फिर किशोर अवस्था में अस्थिरता को रोकने हेतु माता पिता व शिक्षक के योगदान का महत्व बताइए। कि यदि वह माता पिता और शिक्षक के सामने अपने विचारों को रखे तो वह शिक्षक व माता पिता के सामने अपने विचारों को रखे तो माता पिता उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उन्हें सही रास्ता बता सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। विद्यालय में आने वाली समस्याएं, व्यवसाय से संबंधित समस्याएं आदि समस्याओं को शिक्षक समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट।